हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम घर पे आलू के फ्रेंच फ्राइज कैसे बनाते हैं। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो की स्टार्टिंग। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाएं और नीचे एक लाल बटन होगा उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन आएगी उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो की स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले हमें चाहिए आलू है और आलू को हम अच्छे से काट लेंगे, यू नो, फ्रेंच फ्राइज के शेप में इसे अच्छे से पहले छील लेंगे, उसके बाद इसे काट लेंगे। सो गाइस, अभी हमने आलू के छिलके निकाल लिए हैं और अभी हम इसे अच्छे से परफेक्ट शेप में फ्रेंच फ्राइज के शेप में काट लेंगे। सो गाइस, अभी आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसे परफेक्ट शेप में काट लिया है और आप देख सकते हैं आपको इसी शेप में काटना है। अभी हम इसे एक पानी के बोल में 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे भिगा के। सो गाइस, अभी आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से पानी में भिगा दिया है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसे तेल में फ्राई कर लेंगे। सो गाइस, अभी हम ये 5 मिनट्स हो गए हैं, अभी हम इसे अच्छे से ऐसे निकाल के एक प्लेट में डालते जाएंगे। गाइज, अभी हम इसे एक कॉटन के कपड़े से, एक साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ लेंगे। सो गाइज, अभी आप देख सकते हैं ये अच्छे से सूख गया। अभी हम इसे ऑयल में, ऑयल को पहले गर्म होने देंगे, उसके बाद हम इसे ऑयल में डाल देंगे। सो गाइज, ये अभी ऑयल है, ये अभी गर्म नहीं हुआ है, अभी हम गैस ऑन करेंगे। गाइज, अभी आप देख सकते हो हमने गैस को कर दिया है ऑन, उसके बाद हम इस ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे और उसके बाद हम ये फ्रेंच फ्राइज को इसमें डाल देंगे। सो गाइस, अभी मेरे ख्याल से ऑयल गर्म हो चुका है और अभी हम इस पे जो एक फ्राइज डाल के देखेंगे। हाँ, ये हो चुका है, अभी हम इसमें सारे फ्राइज डाल देंगे, धीरे से डालेंगे। सो गाइज, हमने इसमें सारे फ्रेंच फ्राइज डाल दिए हैं ऑयल में और अब ये यू नो जब फ्राई हो रहा है थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैंने सब एक साथ, अभी हम इसमें सारे फ्राइज डाल देंगे, धीरे से डालेंगे। सो गाइज, हमने इसमें सारे फ्रेंच फ्राइज डाल दिए हैं ऑयल में और अब ये यू नो जब फ्राई हो रहा है थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैंने सब एक साथ डाल दिया, सब एक साथ हो जाएगा तो झंझट नहीं और फटाफट से हो जाएगा, और पर अभी थोड़ा टाइम लगेगा, शायद तेल अच्छे से नो गर्म नहीं हुआ था। ओके, सो थोड़ा फ्राई होने के बाद मिलते हैं। सो गाइस, अभी ये फ्राई हो रहा है, हम चेक करते हैं, ये अभी नहीं हुआ है, सो थोड़ा सा और टाइम लगेगा, सो थोड़ा देर से और रखते हैं उसके बाद देखते हैं। सो गाइस, अभी आप देख सकते हैं ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, यू कैन सी। थोड़ा सा और इसे फ्राई होने देते हैं क्योंकि बिल्कुल रेडी है, सिर्फ 1-2 मिनट का बचा हुआ है। सो ये देखिए हो चुका है, या इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट। सो गाइस, ये बिल्कुल हो चुका है, मैंने गैस को ऑफ कर दिया है और अभी हम इसे एक टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितना कूल लग रहा है। सो गाइस, आप देख सकते हैं हमारा फ्रेंच फ्राइज बनकर बिल्कुल रेडी है, अब हम इसे सर्व कर लेंगे एक सॉस या फिर चटनी के साथ। सो गाइस, आप देख सकते हैं ये कितने क्रिस्पी लग रहे हैं, यू कैन सी। आप फटाफट से बना सकते हैं इसे घर में, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती गाइस, और आप बहुत ही आसानी से इसे घर पे बना सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।